सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग क्रिम में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक्सपी फार्म केल्प का। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा ये सब हमको चाहिए। तो गाइस, स्टार्टिंग में आपको ऐसे कौन सा भी ब्लॉक्स ले सकते हो। मैंने तो अभी स्टोन ब्रिक लिया है। विदर को जैसे स्पॉन करते हैं वैसे ही आपको पहले ये ब्लॉक्स लगाना है। फिर बाद में क्या करना है, बीच में का जो ब्लॉक है उसको तोड़ देना है। बाद में आपको लेना है रेडस्टोन रिपीटर, उसको ऐसे एकदम साइड में करके ऐसे लगा देना है। बाद में आपको रेडस्टोन डस्ट यहाँ लगाना है और रेडस्टोन टॉर्च ऐसे, सॉरी ये रेडस्टोन टॉर्च ऐसे नहीं लगेगा, इसको हमें लगाना है इस वॉल मतलब ब्रिक पे ऐसे। ये ऐसा कुछ चालू हो जाएगा मतलब। बाद में आपको लेना है लीवर, लीवर को नीचे लेंगे पहले और बाद में इधर लगाना है हमें। यह हमें बंद चालू करने में काम आएगा ऐसे। बाद में स्टिकी पिस्टन लगाना है आपको इस साइड। अब अगर इसको चालू करेंगे तो कैसे ये ऐसा चलेगा कुछ, ओके। फिर बाद में क्या करना है, आपको लेने मतलब ब्लॉक्स पूरा ये कवर कर लेना है पहले तो यहाँ पे ऐसे। और गाइस, बीच में ब्लॉक नहीं आना चाहिए, बीच में का प्लेस पूरा खाली रहना चाहिए। पिस्टन के नीचे जो है, मैंने जहाँ एक ब्लॉक छोड़ दिया है वहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। तो फिर बाद में यहाँ पे पिस्टन के सामने यहाँ पे एक सैंड लेना है। बाद में इसको ऊपर दो सैंड लगाएंगे हम लोग और बाद में बाजू से पूरा कवर कर लेना है हमें ऊपर तक ऐसे कि यहाँ पे फिर डन ऐसे। और गाइस, बाद में जिस साइड हमने लीवर लगाया था उस साइड थोड़ा इसे टेम्प्ररी ब्लॉक्स के लिए पीछे जाएंगे तीन ब्लॉक कुछ। सो पहले जाते तीन ब्लॉक पीछे। और बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे एक वॉल टाइप बनाना है। बीच में आपको एक प्लेस छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे भी एक पिस्टन आएगा। हाँ अब ठीक है। और यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा देंगे, यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल पिस्टन। और स्टेयर्स ले लेंगे ग्लास नीचे। अब ठीक है, अब बीच में पहले एक पिस्टन लगाएंगे इस फेस करते, और ऊपर एक स्टेयर्स लगाना है कुछ ऐसे फेस कर रहा रहेगा उसका फ्रंट। तो फिर बाद में आपको ऐसे ब्लॉक्स मतलब ग्लास लगाने हैं 6 टोटल दोनों साइड पे, क्या पे जब आपका पूरा ये लग जाएगा फिर बाद में आपको क्या करना है, ऊपर से जो है पूरा कवर कर लेना है कुछ ऐसे। और बाद में बीच में ग्लास लगा देंगे। फिर ये जो बीच में गैप बचा है वहाँ पे लगाएंगे हम लोग ओक का ट्रैप डोर कुछ ऐसे। अरे सॉरी ये गलत लग गया यहाँ पे। हाँ परफेक्ट, ऐसे ऊपर से ये ऐसा लगेगा। बाद में हमें क्या करना है, इस साइड थोड़ा आके हॉपर लगाना है यहाँ पे, नहीं थोड़ा पीछे शायद, नहीं यार मैं बराबर ही तोड़ा था पहले। यहीं पे हम लोग लगाएंगे हॉपर। फिर यहाँ पे एक हॉपर ऐसे बैठ के लगाएंगे हम लोग के उसका मतलब फेस जो है उस साइड रहना चाहिए, उस साइड आएगी हमारी चेस्ट, वो बाद में लगाएंगे। पहले कर लेते हैं ऊपर जाने का थोड़ा एरिया। और यहाँ पे पहले हमें क्या करना है गाइज, एक पिस्टन पे एक वाटर डालेंगे और स्टेयर्स पे एक। और जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पे आके हॉपर के ऊपर ग्लास पेन लगा देंगे कुछ ऐसे। फिर बाद में क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगाना है पिस्टन के पीछे क्योंकि पिस्टन से भी पानी आने लगता है, तो वहाँ पे ब्लॉक लगाएंगे फिर पानी आएगा नहीं। और गाइस इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो हमने रेड स्टोन ये सब लगाए थे वो टूट टूट जाएंगे। तो इसको वापस लगा देते हैं पहले, हमारे रेडस्टोन डस्ट इधर आएगा और यहाँ पे आएगा रेडस्टोन टॉर्च ओके
ऐसे। फिर बाद में क्या करना है हमें, ऊपर यहाँ पे लेना है रेडस्टोन रिपीटर और उसे क्लॉक टाइप बल लगाना है एकदम ऐसे। एक यहाँ पे क्लॉकवाइज टाइप वैसा, और इसको 3 टिक पे रखना है, मतलब 2 बार क्लिक करना है इन पे। हाँ, बाद में इन सबको करना है रेडस्टोन से कनेक्ट कुछ ऐसे। बाद में यहाँ पे एक लीवर लगा देंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेंगे ऐसे। 2 बार क्लिक करके कुछ ऐसा जलने लगेगा ये। मेक श्योर आप लीवर को 2 बार क्लिक करें, अगर 1 बार क्लिक करेंगे तो बस ऐसे ही रहेगा। और बाद में क्या करना है हमें, पहले तो ये पिस्टन को थोड़ा बंद करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे हमारा मेन कैल्प इस साइड कुछ ऐसे। अरे गलत लग गया, ये लगाना ही नहीं था पहली बात तो। अब ठीक है, अब जाते हैं जल्दी ऊपर, और हमने जो यहाँ पे जो रेडस्टोन का डस्ट हो रहा था, मतलब उसको वापस लगा देते हैं अच्छे से। अरे रे रे रे, ये वापस चालू हो गया, पहले इसको बंद करो, लीवर बंद। अब लगाएंगे हम लोग रेडस्टोन डस्ट यहाँ पे, अब इसको चालू करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो ऐसा होने लगेगा, और फिर हमें नीचे का पिस्टन भी चालू कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, कैल्प ऊपर से तोड़ के आ रहे हैं जल्दी। अब यहाँ पे जल्दी क्या करना है, चेस्ट लेना है पहले तो, और चेस्ट को हॉपर से कनेक्ट करना है हमें। अभी के लिए तो बंद कर देते हैं लीवर। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग चेस्ट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये दोनों जॉइंट हो गए, अब इसके नीचे हमें वापस से लेना है हॉपर और स्मोकर। इसको कनेक्ट करेंगे हॉपर से और इसको स्मोकर से। पहले एक नीचे डिग डाउन कर लेते हैं एक ब्लॉक, अब इसको कनेक्ट कर लेंगे हॉपर से, और बाद में इसके नीचे एक और हॉपर जो जाएगा चेस्ट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे गाइस। फिर बाद में हमें वापस लेना है हॉपर, और हॉपर लगाएंगे यहाँ पे, और एक और चेस्ट लगाएंगे यहाँ पे देन। तो फिर हम ये वाला चेस्ट जाएगा हमारा फ्यूल के लिए। ओके, अब यहाँ पे लगा देंगे पहले एक लीवर जो हम स्मोकर को ऑन ऑफ करने में काम आएगा, इसका बाद में समझ आएगा आपको। और अब ये लीवर ऑन कर देंगे। सो गाइस ये काम करना चालू हो चुका है, अब इस लीवर को हम लोग चालू ही रहने देंगे अभी जैसा है वैसे ही। अब देखते हैं जल्दी, नीचे सारा कलेक्ट होगा पहले तो। गाइस अभी मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ, हमें ये ग्लास पे यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाना है। ओके ऐसे, और बाद में यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक और हॉपर लगाने का, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा। गाइज मेक श्योर हॉपर उस आगे वाले हॉपर को कनेक्ट हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, काम नहीं करेगा आपका एक्सपी फार्म। सो गाइज अब मैंने सब सेट कर लिया है, वापस यहाँ पे डालेंगे कोल, और अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एफ के रहना है थोड़ी देर। सो गाइज अभी मैं 2 मिनट एफ के रह के आ गया हूँ, और पहले जाते हैं सर्वाइवल में, और उस लीवर को मैंने कर दिया है बंद। अब देखते हैं हमें कितना एक्सपी मिलता है। 1 एक्सपी हो गया है, 2। गाइज ये याद रखना, बस मैं 1 मिनट एफ के था, अगर ये पूरा चेस्ट भरा रहता तो 11 एक्सपी हो गई है मेरी। बस एक स्टैक था वो नीचे वाले चेस्ट में कैल्प का, अगर वो पूरा चेस्ट भरा रहता तो एक बार में आपका कुछ 10 एक्सपी बढ़ता, 20 एक्सपी बढ़ता है ऐसा। तो जितना देर आप एफ के रहोगे उतना आपका फ़ायदा है। सो, अभी मेरा 12 एक्सपी हो गया, 13 एक्सपी हो गया है। सो गाइज इसका एक प्रॉब्लम भी है, एक नहीं 2 प्रॉब्लम है गाइज। ये
पहले तो अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है ये अपना एक्सपी फार्म, तो आप पहले चंक बॉर्डर देख लीजिएगा। अगर आपका एक्सपी फार्म ये चंक बॉर्डर पर होगा तब काम नहीं करेगा, तो आपको बेसिकली इस फार्म को थोड़ा पीछे लेना होगा, नहीं तो आगे लेना होगा। उससे आपका काम एक्सपी फार्म वापस ठीक होने लगेगा। और बाद में एक और प्रॉब्लम है, अगर ऐसे आपका सैंड बाहर निकल जाए, तो पहले तो एलीवर को बंद करते हैं। ऐसा आपका सैंड अगर बाहर निकल जाए तो वापस आपका एक्सपी फार्म काम करना बंद करेगा। तो पहले तो हमें ये सैंड निकालना होगा। और अगर ये देखो पिस्टन के नीचे भी एक सैंड है, ये पिस्टन के नीचे एक बिल कौन सा भी ब्लॉक नहीं रहना चाहिए। तो ये पिस्टन के नीचे का सैंड तोड़ देते हैं, और बाद में ये वाला सैंड भी हम तोड़ देंगे और इसको रिप्लेस करेंगे जल्दी से। यहाँ पे एक सैंड डालेंगे, बाद में यहाँ पे पहले एक ब्लॉक, बाद में इसके ऊपर सैंड, बाद में वापस यहाँ पे एक ब्लॉक। बाद में क्या करना है, ऊपर से आपको वापस एक मेन हमारा सैंड डालना है। अरे भाई चलिए भी जा, अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग जल्दी से एक सैंड। अब वापस से लगाएंगे केल्प, पहले इस लीवर को यहाँ पे वापस थोड़ा काम, पिस्टन बंद हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे जल्दी से केल्प, केल्प, केल्प आ गया। इसको लगाएंगे यहाँ पे कि बाद में जाते हैं जल्दी ऊपर। क्या यार ये ऊपर दो टूट गया, फिर वापस इसको लगाते हैं। अब जाते हैं जल्दी से ऊपर कि हम लोग आ गए हैं। और बाद में वापस से रेडस्टोन फिक्स कर देते हैं। लीवर बंद करो पहले, तो नीचे का पहले फिक्स करते हैं। यहाँ पे रेडस्टोन ये सब गिरा रहेगा। रेडस्टोन टॉर्च नीचे ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा एक रेडस्टोन टॉर्च और यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट। अब जाते हैं जल्दी ऊपर, अब ऊपर ठीक करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे एक रेडस्टोन, वापस चालू हो गया यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसको डबल क्लिक करेंगे लीवर पे, जल्दी जाते हैं पहले नीचे का लीवर ऑन करते हैं। सो गाइस बूम, आपका एक्सपी फार्म वापस से चलने लगा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।